आजादी का अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आज कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के द्वारा पंचप्रण की शपथ दिलाई गई। पंचप्रण के अंतर्गत 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने और भारत की एकता को सुदृढ़ करने और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करने, साथ ही नागरिक होने का कर्तव्य निभाने का प्रण लिया गया। अधिकारियों, कर्मचारियों और गणमान्य लोगों ने दीपक हाथ में लेकर प्रण लिया और इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, नगर मैजिस्ट्रेट प्रशांत तिवारी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह भदौरिया, अन्य अधिकारीगण, कलेक्ट्रेट के कर्मचारीगण और गणमान्य लोग आजादी के अमृत महोत्सव कालखंड में हम सभी लोग मेरी माटी मेरा देश अभियान और कार्यक्रम के तहत 5 प्रकार के प्रमुख कार्यक्रम जनपद में आयोजित करा रहे हैं। सबसे पहला है शिला फलकम की स्थापना। इसके तहत जनपद के सभी विद्यालयों में शिलापट स्थापित किया जाना है और ये कार्य प्रारंभ हो चुका है 9 अगस्त से, यानी कल से। इस कार्यक्रम के तहत जितने भी हमारे विद्यालय हैं वहाँ शिला फलकम की स्थापना हो रही है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है और उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर सपूतों का उल्लेख है जिनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हमारा यह देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। दूसरा है पंचप्रण की शपथ, जिसको आज हम सभी लोगों ने यहाँ लिया। तीसरा है वसुधा वंदन, इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों में एक अमृत वाटिका स्थापित की जा रही है, जिसमें कम से कम 75 पौधों का रोपण किया जा रहा है। चौथा है वीरों का वंदन, इसके तहत हम सभी लोग जो हमारे जनपद के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और वीर सपूत हैं, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है, हंसते हंसते अपने प्राणों का निछावर कर दिया है, उन सभी ऐसे महान वीर सपूतों के परिवारों से हम लोग मिल रहे हैं और इस अवसर पर उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनका नमन भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो अंतिम कार्यक्रम होगा, जो 15 अगस्त को होगा, वो होगा ध्वजारोहण और राष्ट्रगान। तो ये एक पूरा कार्यक्रम है मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत, जिसके तहत हम लोग एक पब्लिक अवेयरनेस भी ला रहे हैं, लोगों में जन जागरूकता भी ला रहे हैं और सभी से अपील करते हैं, सभी से अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लें और अपने देश का नाम निरंतर गौरव की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास करें।